अमित शाह का सिद्धारमैया सरकार पर वार। अमित शाह दो दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं और माफ कीजिएगा, आज उनका दूसरा दिन है कर्नाटक दौरे का, वो भी वहां पर रहेंगे। लेकिन अमित शाह के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन और उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार को सब कुछ केंद्र सरकार ने दिया, और लेकिन जो कुछ भी केंद्र सरकार ने कर्नाटक के लिए किया वो वहां के लोगों तक नहीं पहुंचा। सीधा आरोप उन्होंने सिद्धारमैया पर लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धारमैया सरकार का टाइम पूरा हो चुका है। ये सिद्धारमैया सरकार को, कांग्रेस सरकार को बदलने का मन बनाकर कर्नाटक की जनता बैठी है। बहुत सारे मुद्दे से सरकार से नाराजगी भी है, इसमें प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार है। और वैसे भी कांग्रेस और भ्रष्टाचार का रिश्ता मछली और पानी के रिश्ते जैसा अटूट रहा है, हमेशा से रहा है, और उसी रिश्ते को बड़ी तेजी से सिद्धारमैया सरकार ने आगे बढ़ाया है। अभी तो पूरे प्रदेश में सिद्धारमैया सरकार में के होते हुए भ्रष्टाचार की एक आंधी चल रही है। अगर गलती से भी ये सरकार रिपीट होती है तो ये आंधी सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी, भ्रष्टाचार की सुनामी कर्नाटक की जनता को देखने को मिलेगी।